दोस्तों, बायोग्रेन चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट क्लास में स्टूडेंट्स हम लोगों ने स्टडी किया था एक्वेटिक वीड्स के बारे में कि एक्वेटिक वीड्स क्या होते हैं। इस क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं कि वीड को कंट्रोल किस तरीके से करना है। वीड्स एक्चुअली होते क्या है, विच आर योर अनइकोनॉमिक, ठीक है, अनइकोनॉमिक ग्रासेस जो होती है उनको हम लोग बोलते हैं कि वो कहलाते हैं वीड, जो हमारे किसी भी काम की नहीं होती है। नाउ वीड कंट्रोल करने के लिए आपके पास में तीन पैरामीटर्स हैं, जिसमें से एक है आपका मैकेनिकल, या तो इसी को हम मैनुअल भी कहते हैं। सेकेंडली मेरे पास में कौन सा है, केमिकल, एंड तीसरा जो है वो है बायोलॉजिकल, राइट। नाउ मैनुअल मेथड या मैकेनिकल मेथड किसको कहते हैं। मैनुअल मेथड में देखिए, एम्प्लॉयज फिजिकल फोर्स, क्या लग रहा है आपको, फिजिकल फोर्स लग रहा है, दैट मींस आपका इन्वॉल्वमेंट है, कोई एक इंडिविजुअल इन्वॉल्व हो रहा है। सो इट इज ऑफ फिजिकल फोर्स टू रिमूव एक्वेटिक वीड्स और ऑल्टर द एनवायरमेंट। ऑल्टर द एनवायरमेंट मतलब क्या हुआ, जहां पे वो क्लीन कर एनवायरमेंट जो रहेगा उसको वो चेंज कर देगा, ठीक है। दैट मींस इट विल ऑल्टर द एनवायरमेंट, जो अच्छी चीज को खराब किस तरीके से क्रिएट करना है ये काम वीड करती है। सो अगर खराब है तो उसको किस तरीके से क्लीन करना है, उसके लिए हमारे पास में कुछ पैरामीटर्स है जिसको हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। उन पैरामीटर्स में सबसे पहले आ जाता है डिग्रेडिंग। डिग्रेडिंग क्या होता है, हम एक्वेटिक वीड्स को क्या कर रहे हैं, डिग्रेड कर रहे हैं। किस लेवल पर डिग्रेड करेंगे बेटा, देखिए, इक्विप्ड विथ बकेट और विथ अ वीड फोक और स्पेशल टूल्स, हम क्या कर रहे हैं, पानी में जब मूव कर रहे हैं सो पानी में से वीड को क्लीन करना है। सो क्लीन करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक तो बकेट का यूज कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम लोग किसको यूज कर रहे हैं, वीड्स को रिमूव करने के लिए फोक होती है। ओके, फोक मतलब क्या होता है, चिमटा, ठीक है। सो उस टाइप का कुछ एक स्ट्रक्चर होता है वीड फोक, और कुछ इसके अलावा भी मेरे पास में स्पेशल टूल्स चाहिए होंगे, सो वो स्पेशल टूल्स को हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट, दैट इज ड्राइंग। ड्राइंग क्या होता है, हम उसको सुखा देंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, पॉन्ड या डचेस जो होंगे उसको सुखा देंगे। सूखेगा कैसे, ऑटोमेटिकली पानी चला जाएगा क्या, नहीं आएगा। या तो मैं समर सीजन तक के वेट करने वाली हूं क्या, नहीं, कि समर सीजन आएगा तो पॉन्ड सूखेगा। ऐसा आपने बहुत बार ऑब्जर्व भी किया होगा कि बहुत सारे पॉन्ड स्ट्रीम्स जो होते हैं वो गर्मी कितनी भी हो तो भी वो सूखते नहीं है, कुछ ना कुछ अमाउंट में पानी उसमें रह ही जाता है। सेम कंडीशन यहाँ पे भी हो जाती है। ड्राइंग के लिए मैं समर सीजन तक के तो वेट नहीं कर सकती हूँ। सो ड्राइंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, वॉटर इज ड्रेन्ड आउट, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, वॉटर क्या कर रहा है हम लोग, इट इज ड्रेन्ड आउट फ्रॉम द पॉन्ड और डिच। वाई नेक्स्ट मेथड कौन सी है आपके पास में, मूविंग की, ठीक है। मूविंग, मूविंग क्या होता है, इट इज यूज टू कंट्रोल वीड्स ऑन डिच बैंक्स, एंड इसके साथ साथ हम लोग स्मॉल पैचेस में जो शोर लाइन पे वीड्स प्रेजेंट होती है उसको रिमूव करने के लिए हम लोग मेथड यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मूविंग। वही नेक्स्ट है मेरे पास में हैंड क्लीनिंग। ना हैंड क्लीनिंग मतलब ये नहीं होता है कि हम हाथ धो रहे हैं, ठीक है, हैंड वॉश से या सैनिटाइजर से, आजकल बहुत चल रहा है सैनिटाइजर से और हैंड वॉश से हाथ धोना, ये प्रोसेस यहाँ नहीं कहलाती है, ठीक है। ये प्रोसेस कहलाने के लिए हैंड क्लीनिंग का मतलब ये होता है कि हम अपने हाथों को पानी के अंदर इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं एंड हाथों से हम लोग वीड्स को बाहर निकाल रहे हैं, राइट। सो इट इज स्पार्सली इन्फेस्टेड एरिया, दैट मीन्स ऐसा एरिया जिसमें बहुत कम वीड है, जो मैं ऑटोमेटिकली हाथ से निकालू तो निकल जाएगी। एंड मैन कट्स एंड रिमूव्स विद द हैवी नाइफ्स एंड हुक, कुछ नाइफ्स और हुक्स यूज करके हम लोग उसको आसानी से रिमूव करवा सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है मेरे पास में चेनिंग। चेनिंग क्या होता है बेटा, चेनिंग क्या होता है, चेनिंग इज अटैच्ड बिटवीन टू रोज ऑफ ट्रैक्टर और ऑपोजिट बैंक्स। एक शोर है, शोर पे मैंने दोनों एरिया पे टाई कर दिया है एक चेन, एंड बाय थ्रू एंड एक ट्रैक्टर के थ्रू मैंने क्या किया है, उसको समेट कर बाहर निकालना चालू किया है, ठीक है। दैट मीन्स उसको जमा करके हम लोग क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज चेनिंग। वेल नेक्स्ट है बर्निंग। ना आपको पता है कि कोई भी प्लांट पार्ट, ठीक है, कोई भी प्लांट पार्ट वेट होने की वजह से वो इजीली जल्दी जलता नहीं है। अगर मैं बर्निंग की प्रोसेस कर भी रही हूं तो क्या होने वाला है उस बर्निंग में, कि हमने हॉट फ्लेम तो पास करवाया है, हमने हॉट फ्लेम तो पास करवाया है ओवर द वेजिटेशन, बट दैट प्लांट्स विल्ट, ओके, बट आर नॉट शेड, पूरी तरीके से वो जलते
नहीं है, जलते नहीं है बट जलने की कगार पे हो चुके होते हैं. सो दैट इज कॉल्ड एज बर्निंग. वाई लास्ट मेथड मेरे पास में जो मैकेनिकल में आती है, दैट इज यूज टू कट सबमर्ज्ड वीड्स. सबमर्ज्ड वीड्स जो है उनको कट करने के लिए यूज की जाती है, जो कि अराउंड 1 to 1.5 meter डीप पानी के अंदर होते हैं. सो उसको यूज, उसको निकालने के लिए, सबमर्ज्ड वीड्स को निकालने के लिए हम लोग कटिंग की प्रोसेस करते हैं. ओके, सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड मैकेनिकल मेथड, राइट. मूविंग टूवर्ड्स केमिकल वीड कंट्रोल की अगर बात करें, तो केमिकल वीड कंट्रोल मतलब क्या होता है, जहां पर हम लोग केमिकल्स को यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वीडिसाइड्स. ओके, ना जिस तरीके से हर्बिसाइड्स वर्ड होता है जो कि हर्ब्स को क्लीन करने के लिए होता है, वैसे ही वर्ड आ जाता है वीडिसाइड, दैट मीन्स जो वीड्स को क्लीन करने के लिए यूज होता है. उसके लिए हमारे पास में कुछ 5 पैरामीटर्स है. इन पैरामीटर्स को हम लोग स्टडी करते हैं. फ्लोटिंग अगर वीड है तो उसको क्लीन करने के लिए क्या यूज करना है. मार्जिनल वीड होगी तो उसको क्लीन करने के लिए क्या करना है. इमर्जेंट अगर होगी तो उसको क्लीन करने के लिए क्या करना है. सबमर्ज अगर होगी तो उसके लिए, और अंकल ब्लूम अगर होगा तो इसके लिए हमको क्या करना है. फर्स्ट क्लास में ही मैंने आपको ये चीज समझाया था कि सबमर्ज वीड्स, इमर्जेंट वीड्स क्या होते हैं. अगर भूल गए होंगे तो वापस से चैनल पे जाइए और उसको ऑब्जर्व करिए, ठीक है. फ्लोटिंग वीड्स को कंट्रोल करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है. 2,4-D, ठीक है. 2,4-D का फुल फॉर्म क्या है बेटा. इट इज डाई क्लोरोपिनॉक्सी एसिटिक एसिड. ओके, फ्लोटिंग वीड्स हमारे पास कौन से है. पिस्टिया है, लेमना है, जिनको क्लीन करने के लिए 2,4-D यूज होता है. वाइल मार्जिनल जो है, मार्जिनल को यूज करने के लिए 1.2 to 1.3%. टैफिसाइड 80 जो है इसको यूज किया जाता है, और इसी के साथ डिटर्जेंट के फॉर्म में यूज होता है 2,4-D. अगेन 2,4-D फ्लोटिंग में भी था, 2,4-D मार्जिनल में भी आ गया. एग्जाम्पल कौन से इसके, टाइफा, सेजिटेरिया एंड अनवॉन्टेड ग्रासेस जो मेरे पास अवेलेबल है. वाई एमर्जेंट वीड्स को क्लीन करने के लिए कौन यूज कर होता है, अगेन 2,4-D. सो फ्लोटिंग में, मार्जिनल में और इमर्जेंट में, तीनों जगह पे 2,4-D का यूज हो गया. एंड ये 2,4-D जो है वो CuSO4 के साथ में यूज किया जाता है, और इनके एग्जाम्पल है निम्फिया एंड निलंबो. निम्फिया निलंबो जो है वो लोटस की स्पीशीज है, ठीक है, जो क्लीन करने के लिए हम लोग इमर्जेंट वीड्स के लिए यूज करते हैं. वही सबमर्ज वीड्स क्या होती है. सबमर्ज वीड्स जो होती है उसमें दो पॉइंट है मेरे पास में, एक रूटेड वीड्स होती है और एक अनरूटेड, जो कि पानी में तैर रही होती है, जिनको हम लोग अनरूटेड कहते हैं. और जो पानी में किसी सबस्ट्रेटम के साथ में फिक्स होती है उसको हम लोग रूटेड बोलते हैं. दैट इज CuSO4 विद अमोनियम, अगेन 2,4-D एंड सिमेजीन. एक और नया वर्ड यहाँ पे आके जुड़ गया है, दैट इज सिमेजीन को यूज करते हैं. वाई अल्गल ब्लूम को कंट्रोल करने के लिए अगेन CuSO4, सिमेजीन का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इतना चाहिए होता है, दैट इज 0.5 to 1 PPM. एंड इसके साथ साथ चाहिए होता है डायूरॉन. एग्जाम्पल है उसके स्पाइरोगेरा एंड पिथोफोरा. ये जो पार्ट है, ठीक है, ये जो मैंने अभी आपको सिखाया है, ये अल्गल ब्लूम के साथ साथ क्लीन करने के लिए, ये सारी चीजों में अगर आप ऑब्जर्व करोगे, सो CuSO4 जो है वो इमर्जेंट, सबमर्ज और अल्गल ब्लूम के लिए यूज होता है, जो कि कंपल्सरीली आपको लिखना ही है. फ्लोटिंग के लिए फ्लोटिंग में, मार्जिनल में और इमर्जेंट में 2,4-D का यूटिलाइजेशन है विथ CuSO4. वाई दो नए वर्ड्स आपको मिलेंगे, एक डायूरॉन और एक सिमेजीन. सिमेजीन जो मिलेगा वो आपको सबमर्ज वीड के साथ में मिलेगा, और डायूरॉन सिर्फ अल्गल ब्लूम के लिए यूज होता है. सो इस तरीके से मैंने केमिकल के लिए आपको डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स दे दिए हैं, एंड बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में. अगर आप बुक में स्टडी करने जाओगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, राइट. बट इस तरीके से सिंप्लीफाइड फॉर्म में जो मैंने आपको बताया, अगर इस फॉर्म में लर्न करोगे तो बहुत आसानी से आपको लर्न हो जाएंगे सारे केमिकल्स, और किस तरीके से आप केमिकल्स में किसको यूज किया जा सकता है क्लीन करने के लिए, ये सारा एस्पेक्ट विद एग्जाम्पल बहुत शॉर्टकट फॉर्म में आपके लिए दे दिया है. तो बहुत आसानी होगी आपको रट्टाफिकेशन करने के लिए. सो गो थ्रू इट. एंड अब हम लोग मूव करेंगे बायोलॉजिकल की तरफ में. मूविंग टूवर्ड्स बायोलॉजिकल वीड कंट्रोल. बायोलॉजिकल वीड कंट्रोल में कौन कौन आते हैं बेटा. हर्बीवोरस स्पीशीज ऑफ फिशेस आते हैं, जिनमें मेरे पास में क्या है, ग्रास कार्प है, कॉमन कार्प है, टिलापिया है, गोरामी है, सिल्वर कार्प है, इंसेक्ट्स है, और कुछ स्नेल्स भी इंक्लूड होते हैं. और कुछ स्नेल्स में सिर्फ एक स्पीशीज होती है जो यूटिलाइजेशन में आती है. आगे देखते हैं, चलिए ग्रास कार्प क्या होता है. इट इज वेरी इफेक्टिव. ओके, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फिशेस को यूज करते हैं फॉर द कंट्रोल ऑफ
ऑफ वीड, हम लोग डायरेक्टली वीड्स को यूज कर रहे हैं कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। सो वेरी इफेक्टिव, कैन कंज्यूम 70% ऑफ इट्स ओन बॉडी वेट, अपना जितना बॉडी वेट होगा उससे वो 70% जो है वो उतना कंज्यूम कर सकता है, इसके पास उतनी एबिलिटी है। वाई, इसके पास एक और स्पेसिफिकेशन है कि ये एक हेक्टर एक मंथ में, एक हेक्टर एरिया एक मंथ में इराडिकेट कर सकता है। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल, क्या बोल सकते हैं हम लोग, कि बायोलॉजिकल इवोल्यूशन है हमारे पास में ग्रास कार्प का, कि जो इतना इफेक्टिव है कि एक मंथ में एक हेक्टर वीड पूरा खा सकता है। वाई, मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट, अगर मैं कॉमन कार्प की बात करूं तो कॉमन कार्प क्या होते हैं? कॉमन कार्प हेल्प्स इन अपरूटिंग द प्लांट्स, कौन से अपरूटेड प्लांट जो होते हैं उनको कंज्यूम करने के लिए कॉमन कार्प रेस्पॉन्सिबल है। वाई, नेक्स्ट मूव करते हैं टिलापिया की तरफ में, तो टिलापिया क्या है, कंज्यूम फिलामेंटस अल्गी, ये यूजुअली फिलामेंटस अल्गी जितनी भी होते हैं उनको कंज्यूम करते हैं, और उसी के साथ साथ ये कंज्यूम करते हैं सबमर्ज्ड वीड्स को, ठीक है। वाई, नेक्स्ट है मेरे पास में गोरामी, गोरामी इज नॉट सो इफेक्टिव, ओके, गोरामी इज नॉट सो इफेक्टिव बट चेक्स द सबमर्ज वेजिटेशन, सबमर्ज वेजिटेशन जो भी रहेंगे उनको चेक करने का काम जो रहेगा वो गोरामी करेगा, कि वो प्रॉपर अमाउंट में है या नहीं है, नहीं है तो अगर ज्यादा होंगे तो उनको कंज्यूम करना है, ठीक है। वेल, सिल्वर कार्प है, सिल्वर कार्प में वोरेशियस फीडर ऑफ फाइटोप्लैंकटन है ये, ठीक है ना। वोरेशियस स्पीशीज मतलब क्या होता है, वोरेशियस वर्ड का मतलब क्या होता है, कि वोरेशियस उसको बोलते हैं हम लोग जो कि भुक्कड़ होता है बहुत ज्यादा, उसको बहुत ज्यादा फाइटोप्लैंकटन खाने की इच्छा होती है, ठीक है। जिस तरीके से हम लोगों की कुछ फेवरेट चीजें होती है, सेम वैसे ही सिल्वर कार्प की है फाइटोप्लैंकटन, ठीक है, और वो किसका है, सिल्वर कार्प का है। वाइल मूविंग टूवर्ड्स इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स कौन से है, ये सिर्फ इंसेक्ट जो रहेंगे वो सेल्विनिया को और अजोला को यूज करते हैं, ठीक है। अजोला, एनाबिना अजोला, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है। सो ये अजोला एंड सेल्विनिया। वाइल लास्ट आपके पास में बचता है स्नेल, और स्नेल में एक है लिमनिया अक्यूमिनेटा, सिर्फ ये ही एक जीनस है जो कि कंट्रोल करने में हेल्प करता है, और किसका कंट्रोल करता है, तो सेल्विनिया का कंट्रोल करता है। आई बात समझ में? सो इस तरीके से हमारे पास में बायोलॉजिकल एजेंट है या बायोलॉजिकल स्पीशीज है जिनको हम लोग यूज करते हैं ताकि हम वीड कंट्रोल कर सके। सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड मैकेनिकल केमिकल एज वेल एज बायोलॉजिकल। ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय वीड्स, और व्हाट आर वीड्स एंड व्हाट आर द कंट्रोल मेजर्स, ठीक है। सो कंट्रोल मेजर्स में आप लिखेंगे मैकेनिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल, जितने भी आपको शॉर्ट फॉर्म में मैंने फ्लो चार्ट बनाकर दिए हैं उन सभी को आपको बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, इससे सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं मिलेगा, राइट। सो इतने सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको लिखवा के दिया है, एवरीथिंग इज इन द वीडियो, राइट। तो नोट डाउन करिएगा, एंड बहुत अच्छे से बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिया है, सो इसको लर्न करने में आपको बहुत आसानी होगी, ये मेरा विश्वास है। सो आप बहुत आसानी से लर्न कर लेंगे। सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड वीड कंट्रोल मेथड्स, राइट। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले मेरे चैनल को। बेल आइकन एक होता है, उस बेल आइकन को अगर आप प्रेस कर देंगे तो आगे आने वाली जितनी भी नोटिफिकेशंस रहेगी वो आपको सारी मिलती हुई जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, विच आर बी डीलिंग विथ फिश प्रीडेटर्स, राइट। चलिए, बाय।